मुन्ना उठो, मीटिंग का टाइम हो गया है। चाचा, कोई सुबह सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए जाता है क्या? भाई के पास जाना, उसने मीटिंग रखी है। कहाँ पर? वापी, करियर के लिए। उनसे कह दो करियर के बारे में सोचा नहीं है। जिंदगी में जिम्मेदारी हो तो करियर की सोचोगे, न जिम्मेदारी है न करियर के बारे में सोचते हो। सुनती हो, इसके कपड़े ला कर दो। आप भी क्या, अभी अभी तो इसके कपड़े भिगोए हैं मैंने। अरे रे, अब तो उन्हें सूख कर इस्त्री करके आने में 3 हफ्ते लग जाएंगे। क्यों चाची, ठीक है ना? बिल्कुल मन्ना, मैं उन्हें छत पर सुखा दूंगा, तुम तैयार हो? चाचा सुनो, एक बार मेरी बहनों को स्कूल से आते हुए देख लो, उसके बाद चलता हूँ। ठीक है बेटा, उन्हें देख लो। मम्मी, बिन्नी। हाँ पापा। ये क्या, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? आज तो संडे है भैया। और कोई बहाना सूझ रहा है मुन्ना? क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, अरे चला यार, मेरी सीट है, भीड़ हो गई है। तो चलो आगे चलो, सामान ठीक से रख लिया ना? कितने सालों के बाद भैया से मिलने जा रहा हूँ। माँ बाप के गुजरने के बाद भैया ने ही मेरी जिम्मेदारी संभाली। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरे भगवान के समान है। हफ्ते भर तो हम दोनों भाई रहते थे, पर रविवार शाम को दोस्त बन जाते थे। मेरे और भैया की सुपर हिट फिल्म में विलन की एंट्री हो गई। लोग कहते हैं शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, सही कहते हैं। मेरे भैया की शादी के बाद मेरी लाइफ भी बदल गई। एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया। हमारी दोस्ती में भी दरार पड़ गई। टेस्टी है, खाओ। मैं जानता हूं भैया की लाइफ में वो मेरी जगह नहीं ले सकती, लेकिन भैया का भाभी को इतना इंपॉर्टेंस देना मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए वहां से निकलकर मैंने चाचा के पास आने का फैसला किया। मुझे लगा कि जाने की बात पर शायद भैया मुझे रोक दें, लेकिन कब जाएगा? इतने दिनों बाद घर आ रहा हूं, मुझे पता है भैया कैसे स्वागत करेंगे। भैया छोटे जज्बाती हैं बेचारे। भैया इतनी देर क्यों हुई? चाचा ने बोला सुबह से निकले हो। कैसे हो ना? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। सीधा काम की बात, आते ही शुरू हो गए, फ्रेश तो हो लूं पहले। हाँ तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, खा लूं? अच्छा तुम थक गए होगे, आराम कर लो, बाद में बात करेंगे। नहीं, जिसके लिए बुलाया वो बात बता दो, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। तुम्हारी भाभी का ट्रांसफर हो गया है। क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी भाभी का ट्रांसफर हो गया है। इतनी अच्छी खबर इतनी देर से बता रहे हो? हमारे जश्न मनाने के दिन एक बार फिर वापस आएंगे, फ्राइडे पिक्चर, सैटरडे दारू, ऐश करेंगे। अभी चाचा ने इसको बता दो। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। बोलो भैया, आज तुम जो कहोगे सुनूंगा। तू और तेरी भाभी। मैं और भाभी? तू? मैं? तुम दोनों जा रहे हो।
क्या हुआ मुन्ना? इसीलिए बुलाया था मुझे, भाई है या दुश्मन? वो बात नहीं है मुन्ना, दमन में तुम्हारा दोस्त दर्शन रहता है ना, तो भाभी को दिक्कत नहीं होगी। चाहे धरती फटे या आसमान गिरे मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत बोल, दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग है वो खत्म होती है। एक बार बोल दिया ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ए, मैंने बचपन से तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, बड़े भाई के नाते पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, तेरी भाभी के साथ चला जाना। इमोशनल अत्याचार करना कब सीख लिया? सेंटी मार रहे हो और भाई का फायदा उठा रहे हो, तब आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और कोई रास्ता है? वहां भी चला जाऊंगा। जज्बाती है बेचारा। आइए भाभी। हाय मुन्ना भाई। हाय। हाय मुन्ना। हाय मुन्ना। hey, मुन्ना कितने दिन बाद मिले हैं। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। चल चल जल्दी निकल। आराम से। डेढ़ फुटियों को भी लेके आ गए। आपको मेरा नाम याद है? वो छोड़, चेहरे पर निशान कैसा है? अरे मुन्ना मार खा के आया है ये। बाप? नहीं। भाई? नहीं। बॉयफ्रेंड? नहीं। इसकी गर्लफ्रेंड, वो साथ में ही थी जब इसने दूसरी लड़की पे लाइन मारना शुरू किया, तो इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे पीट दिया और ये रोता हुआ आ गया। मुन्ना भाई आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? गर्लफ्रेंड? हाँ। वो भी इसकी? हाँ। ये हीरो कभी खुद नहीं प्रपोज करेगा, जब लड़की सामने से प्रपोज करे तो ये सोच सकता है, और ऐसा कभी होगा नहीं। देख भाई एक बात तो जान ले, एक लड़की का प्यार पानी की टंकी की तरह होता है, नल खोलो और सीधा पानी चालू। ना देख, लड़की का प्यार धरती के अंदर बसे पानी जैसा है, जो पानी के लिए एक बार नहीं बहुत बार बोरिंग मारनी पड़ती है। ऐसा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। बहुत काम है। चलो वो बाइक उतारना, जल्दी उतार। बचपन में एक बार देखा था इसे, बिल्कुल नहीं बदला है, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आइए। अरे भैया लाइन में खड़ा होने दो, हमें पीछे हटो। अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? अरे ये कब नंबर आएगा? कुछ काम नहीं हो रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम मैडम। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ ज्योति कैसी हो तुम? जरा एक मिनट मुन्ना। पानी डाल दो। हाँ बोलिए। मुन्ना कैसा है?
काम पे बिल्कुल टाइम पे आना होगा। हाँ। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हर महीने 200 रुपए का अप्रेजल मिलेगा। कितना? हाँ। 200 रुपए। ये कौन है? ये नौकरानी है, यहाँ ना? जी। पौधों को पानी डालेगी, घर का काम करेगी, बाजार से सामान लाएगी, सब कुछ कर देगी। तुम बोलो ना। हाँ, हम बस दो ही लोग हैं तो नौकरानी की क्या जरूरत है, इसे भेज दो। इसने ना कहा क्योंकि एक घर में दो नौकर नहीं रह सकते। ये दूसरी कौन है? उससे तुझे क्या? मुन्ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, छत पर सुखाने डाल दो। 200 की बख्शिश मुझे दे रहा था, खुद ही रख ले। मुन्ना तेरी तो लगी पड़ी है। कपड़े तो नए जैसे चमक रहे हैं। हाँ। कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? ट्रिपल एक्स, एकदम संस्कारी साबुन है। मैं भी तो वही इस्तेमाल करती हूँ। कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। चाची! हाय मेरे मुन्ना, क्या हुआ? मुझ पर तो आतंकवादियों की तरह अत्याचार कर रही है वो। क्या किया उसने? ये पूछे क्या नहीं कर रही है, सारे काम करवा रही है घर के। मेरी हालत तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई है चाची। वो तुझसे घर के सारे काम करवा रही है? मैं इस घर की वॉशिंग मशीन, डिश क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर सब कुछ बन गया हूँ चाची। इन कामों के लिए नौकरानी मर गई है क्या? और क्या? सुन, तू बस अभी के अभी वापस आ जा। ठीक है, फोन रख रहा हूँ। बाय। गुड बाय।